जोधपुर में अग्रसेन संस्था की ओर से आज मथुरा दास माथुर अस्पताल को डीप वाइन थ्रोम बॉसेज मशीन भेंट की गई। ये मशीन हाथों व पैरों की रक्त वाहिनियों में जमा थक्का निकालने हेतु कार्य करेगी। डीप वाइन थ्रोम बॉसेज मशीन पश्चिमी राजस्थान की पहली मशीन है जो मथुरा दास माथुर अस्पताल को भेंट की गई है। मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि इस डीप वाइन थ्रोम बॉसेज मशीन की अस्पताल को सख्त जरूरत थी, जिसके चलते कई बार विभिन्न संस्थाओं को इसके बारे में अवगत भी करवाया गया था। इसी के तहत श्री अग्रसेन संस्था की ओर से आज ये मशीन भेंट की गई है। इस मशीन के द्वारा मात्र 3 घंटे में रक्त वाहिनी में जमा थक्का दूर किया जा सकता है। इससे पहले अस्पताल में रक्त वाहिनी में जमा थक्के को निकालने के लिए 5 से 6 महीने का समय लगता था, लेकिन अब मशीन मिल जाने के बाद अब ये मात्र 3 से 4 घंटे के भीतर रक्त वाहिनियों में जमा थक्के को दूर किया जा सकेगा। थ्रोम्बोसक्शन डिवाइस है, इससे हम लोग एक्यूट स्टेट के जो आर्टेरियल प्रॉब्लम्स हैं एज वेल एज वीनस थ्रोम्बोसिस है, जो कि कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो कोविड में हमने देखा होगा पोस्ट कोविड सडन डेथ जो है, वो मोस्ट कॉमन कॉज उसका पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, जो कि डीप वेंस की वजह से होता है। इस डिवाइस से हम लोग उसमें तार से जो भी थक्का है 3 दिन के अंदर अंदर वो पूरे थक्के को साफ कर सकते हैं। जिस बीमारी से लोगों को कई सालों तक परेशानी होती है, जिसकी वजह से कईयों के पांव कट गए हैं, जिनके घाव रहते हैं ज़िंदगी भर, वो सब इसके द्वारा अपन समाप्त कर सकते हैं। रीसेंट टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न राजस्थान की फर्स्ट मशीन है और अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि साहब आपने इतना पैसा इसमें एक तार के द्वारा, एक तार हम शरीर में डालते हैं, जिस भी आर्टरी में या वेन में थक्का है उस तार में डाल के उसके आगे एक डिवाइस होता है जो उस थक्के को तोड़ेगा, उसके बाद उसको सक करके बाहर निकाल देगा। अग्रसेन संस्था की ओर से आज ये मशीन मथुरा दास माथुर अस्पताल को भेंट की गई है, जिसको लेकर डॉक्टर ने संस्था का धन्यवाद किया। वहीं संस्था के सदस्यों का कहना है कि इस मशीन के आने से अब लोगों को पेश आ रही समस्याओं से निजात मिलेगा और उन्हें समय पर इलाज मिल सकेगा। महाराजा श्री अग्रसेन जी की कृपा से अग्रवाल समाज सदैव सेवा में अग्रणी रहता है। हाल ही में कुछ समय पहले रेजिडेंसी हॉस्पिटल में अग्रवाल समाज ने राजस्थान का पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाया था, और भी कोविड काल में अनेकों कार्य किए थे और करना भी चाहिए, हम सबका दायित्व भी है। इसी कड़ी में आज यहाँ पे MDM अस्पताल में आशारी साहब के और सुभाष जी बलारा के मोटिवेशन से ये जो डीप बोसिस मशीन यहाँ पे समर्पित की है समाज ने, इससे जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी रिलीफ होगा। जो शरीर की वेन में हाथ या पैर में कहीं भी ब्लड के थक्के बन जाते हैं, वह थक्के मात्र 3 दिन में इस मशीन के द्वारा उन थक्कों का निस्तारण हो सकेगा, निदान हो सकेगा। और कई बार ऐसी नौबत भी आती थी कि कई बार इस थक्कों के कारण मजबूरी में हाथ और पैर तक भी काटने पड़ जाते थे, बड़ी भयंकर समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह, पश्चिमी राजस्थान, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में पहली मशीन समाज ने यहाँ पर दी है, मैं इसके लिए समाज के समस्त सदस्यों को, बामाशाह को साधुवाद देता हूँ और ये निवेदन करता हूँ ऊपर वाले से कि इसी तरह सेवा भाव समाज में बना रहे। कहीं भी कोई समस्या हो, मैं निवेदन करता हूं अग्रवाल समाज के सभी बंधुओं से कि आप जिस तरह से सेवा भावी करते हैं, महाराज अग्रसेन जी की थीम 1 रुपये 1 इंट के अनुसार कार्य करते हैं, यह सेवा बनी रहे, आप हमेशा सेवा कार्य करते रहे। गौरतलब है कि डीप वाइन थ्रोम बॉसेज मशीन पश्चिमी राजस्थान की पहली मशीन है जो कि मथुरा दास माथुर अस्पताल को भेंट की गई है, जिससे मरीजों को आने वाले दिनों में खासी राहत मिलेगी और समय रहते ही उन्हें इलाज भी मिल पाएगा और अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।